नमस्कार और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि सिस्को वेबेक्स मीटिंग कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर आप टीचर हैं, आप एक ऑनलाइन क्लास शुरू करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सिस्को वेबेक्स मीटिंग को जो है कैसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ सर्च में आपको वेबेक्स टाइप करना है। वेबेक्स टाइप करेंगे तो आपको ये सिस्को वेबेक्स मीटिंग्स का आइकन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जो है आपको जो है इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ओपन दिख रहा है अभी, क्योंकि मेरे फ़ोन में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो आपको ये इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा, आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये ऐप जो है आपके फ़ोन में डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगी। जब ये ऐप डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद आपको ये ऐप यहाँ पर वेबेक्स मीट के नाम से दिखेगा, आपको इसको क्लिक करके ओपन करना है। अब यहाँ पर देखिए ज्वाइन मीटिंग और साइन इन का दो ऑप्शन दे रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको सिर्फ मीटिंग अटेंड करनी है, आप मीटिंग स्टार्ट नहीं कर रहे, आप सिर्फ मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, तो आपको अकाउंट बनाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ वो लिंक ज्वाइन मीटिंग में यूज़ करना है। तो आपके पास लिंक होना चाहिए मीटिंग का कि किस लिंक से आपको मीटिंग अटेंड करनी है, और आप ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करेंगे। और यहाँ ऊपर देखिए मीटिंग नंबर और यूआरएल दिया हुआ है, तो आपको जो भी लिंक मिला होगा मीटिंग का, आप उसको जो है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और ये यहाँ पर इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको ऊपर ज्वाइन लिंक पे क्लिक करना है। ज्वाइन लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है आपको इस तरह से कुछ ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे प्रीव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सीधा नो कर दीजिए। और यहाँ पर आपको बीच में जो है आपका वीडियो दिखेगा और ज्वाइन बटन का ऑप्शन दिखेगा। तो मीटिंग ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपको उस मीटिंग से ज्वाइन कर देगा। अगर वो मीटिंग स्टार्ट हो चुकी होगी आप मीटिंग में एंट्री कर जाएंगे, अगर वो मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई होगी तो आपको इस तरह से मैसेज आएगा कि थैंक्स फॉर वेटिंग, अभी होस्ट ने मीटिंग को स्टार्ट नहीं किया है। आइए अब देखते हैं कि मीटिंग को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो अगर आप टीचर हैं, आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं, आप कोई मीटिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। तो ये ऐप जो है आपको मीटिंग स्टार्ट करने के लिए भी ऑप्शन देता है, जिसके लिए आपको यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप अभी फर्स्ट टाइम ये ऐप जो है इंस्टॉल किए हैं तो आपका अकाउंट इसमें नहीं होगा, तो आपको अपना अकाउंट जो है इसमें पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो नया अकाउंट बनाने के लिए आपको जो है साइनअप पे क्लिक करना है। साइनअप पे क्लिक करने के बाद ये आपको एक वेबसाइट पे ले जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये आपको इस तरह से ऑप्शन देगा कि आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। तो आपका जो भी ईमेल एड्रेस है जिससे आप अकाउंट बनाना चाहते हैं, आप वो यहाँ पर टाइप कीजिए, और उसके बाद आपको साइनअप बटन पे क्लिक करना है। साइनअप बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन लिंक भेजेगा, आपको उस लिंक को ओपन करना है अपने ईमेल से, और उसके बाद फिर से ये आपको इस ऐप पर ले आएगा। और ऐप पे आने के बाद जो है आपको ये पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑप्शन देगा, तो आप अपना पासवर्ड वहाँ से चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको यहाँ साइन पे क्लिक करना है, आपको आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप करनी है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक साइट आ जाएगा, तो ये साइट जो है आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आप अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, मीटिंग पे क्लिक करेंगे। और मीटिंग स्टार्ट करते वक्त जो है आपको फिर यहाँ पर ये आपकी वीडियो यहाँ बीच में दिखेगी, और आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन का ऑप्शन आएगा, तो आपको मीटिंग स्टार्ट करनी है, उसके लिए आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ बीच में जो है ये बटन दिखेगा जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ से अगर आप इन्फो पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए आपका यूआरएल दिखेगा मीटिंग के लिए, तो आपको ये यूआरएल जो है दूसरों को देना है, मतलब जिन भी लोगों को आप चाहते हैं कि वो लोग आपकी मीटिंग को ज्वाइन करें, आप उनको ये मीटिंग वाली जो यूआरएल है आप इसको सेलेक्ट करके कॉपी करके आप उनको शेयर कर देंगे, फिर वो इस लिंक से जो है मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको जो है स्क्रीन शेयर करना है तो उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए शेयर कंटेंट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे शेयर कंटेंट पे, तो
आपको पूछेगा कि शेयर स्क्रीन करना है या वाइट बोर्ड यूज़ करना है, तो आप शेयर स्क्रीन करना चाहते हैं तो शेयर स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, और शेयर स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन का जो स्क्रीन है वो जो है बाकी जितने भी लोग इस मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं सभी को वो दिखेगा। तो अगर आप मीटिंग को छोड़ना चाहते हैं तो आप इस तरह से क्रॉस पे क्लिक करेंगे और मीटिंग से आप बाहर आ जाएंगे, और फिर जो है आप इस मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे और आप इसको बंद कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप दूसरों से भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इसके लिए हेल्प मिले कि कैसे मीटिंग को होस्ट करना है और कैसे मीटिंग को ज्वाइन करना है। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि आप नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है आप उसको क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस चैनल पे जो भी न्यू वीडियोस अपलोड हों वो आपको नोटिफाई होते रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।